हाय एवरीवन, एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेरा ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है जिसको मैंने बनाया है अपने मोबाइल फोन से। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका माउस, ठीक है, और ये है इसका कीबोर्ड। दोस्तों, ये वायरलेस कीबोर्ड है, ब्लूटूथ से कनेक्ट है, और ये है डिस्प्ले। गाइस, इस कंप्यूटर को बनाने में मैंने दो मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया है और ये अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये माउस है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल भी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं माउस कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है, और दोस्तों इसका कीबोर्ड भी इसी तरह से काम करता है। दोस्तों, ये कीबोर्ड जो है ये टच कीबोर्ड है, हम इस पर टाइप करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर टाइप भी हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहूँगा वो सारा कुछ वहाँ पर टाइप हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों, मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि मैंने उस कंप्यूटर को कैसे बनाया है और आप खुद से उस कंप्यूटर को कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो स्मार्टफोन ले लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दो स्मार्टफोन ले लिया है, ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है और ये मेरा नया वाला है, ठीक है। तो आपके पास जो भी स्मार्टफोन है वो आप ले लीजिएगा, भले आप स्मार्ट ना हो लेकिन फ़ोन तो स्मार्ट ही होना चाहिए मेरे भाई। तो दोस्तों, अब आप लोगों को साइड में मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन दिखाई दे ही रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। अब दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है बीटी कंट्रोलर। दोस्तों, आपको सिंपल सा बीटी कंट्रोलर लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन खुलकर आ जाएंगे। दोस्तों, ये वाला जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं बीटी कंट्रोलर, दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में, दोनों मोबाइल फ़ोन में इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, एक में नहीं दोनों मोबाइल फ़ोन में इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है दोनों फ़ोन में, इसलिए मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो स्मार्टफोन को ले लिया है, ठीक है, जिसका डिस्प्ले आपको साइड में दिख रहे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने दोनों स्मार्टफोन में इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक करके दोनों स्मार्टफोन में इस वाले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो गाइस, चलिए मैं सबसे पहले इसमें ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर हमें इसमें ओपन करता हूँ। अब दोस्तों, जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर गाइस आपसे कुछ परमिशन आएंगे जिसको आपको सिंपली अलाउ कर देना है। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास दो स्मार्टफोन है, ठीक है, और इस स्मार्टफोन को मैं डिस्प्ले बनाना चाहता हूँ और इसको कीबोर्ड। आप जिस भी स्मार्टफोन को डिस्प्ले बनाना चाहते हैं उस स्मार्टफोन में मैं जितना काम बता रहा हूँ उतना आपको कर देना है। तो गाइस, मैं इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले बनाना चाहता हूँ, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हम मुझे क्रिएट ए होस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा इस क्रिएट ए होस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें पहला है वाईफाई का और दूसरा है ब्लूटूथ का। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा ब्लूटूथ को ऑन कर देना है, ठीक है, यहाँ से अलाउ कर देंगे। दोस्तों, हमारा ब्लूटूथ ऑन हो गया है। अब दोस्तों, हम जिस भी स्मार्टफोन को कीबोर्ड बनाना चाहते हैं उस स्मार्टफोन का भी ब्लूटूथ ऑन कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस स्मार्टफोन का जो ब्लूटूथ मैंने ऑन किया है तो इसका डिवाइस नेम इस वाले फ़ोन में आ गए हैं, ओप्पो K10 5G का है। दोस्तों, इस पर मैं सिंपल सा क्लिक कर लूँगा। दोस्तों, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोन जो है वो एक डिस्प्ले हो जाएंगे और एक कीबोर्ड हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा फ़ोन है ये कीबोर्ड में हो गया है और ये डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको बैक आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है मेरा छोटा सा स्टैंड, ठीक है, जो मैंने दुकान से लिया है, आपको भी मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, 40 रुपये का आता है, ठीक है, और उस पर मैं अपने फ़ोन को इस तरह से रख देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा पहला फ़ोन है जिसको मैंने डिस्प्ले बनाया है, और ये वो फ़ोन है जिसको मैंने कीबोर्ड बनाया है, ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से यहाँ पर रख देता हूँ। और दोस्तों, ये जो माउस आप देख रहे हैं ये वायरलेस माउस नहीं है, वायर वाला है, मार्केट में भी मिल जाएंगे, मैंने इसको ऑनलाइन लिया है। दोस्तों, आप भी इस तरह से ले सकते हैं, ये माउस 200 के आसपास में आते हैं, और इसको और ये माउस कंप्यूटर मोबाइल दोनों में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने OTG से कनेक्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं माउस में लाइट आ गए हैं। अब चलिए मैं इनको काम करके दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस छोटे से कंप्यूटर में यूट्यूब को ओपन करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब ओपन हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से माउस से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रॉल भी हो रहा है। गाइस, ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कीबोर्ड काम करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों, मैं सिंपल सा यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कीबोर्ड है इसमें हम कुछ टाइप करते हैं, देखते हैं वहाँ पर टाइप होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हिंदी सॉन्ग, ठीक है।
गाइस आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ टाइप हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा नन्ना मुन्ना कंप्यूटर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डेंजरस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।